नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को शुभ निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव 82 वर्ष के थे। उन्होंने सोमवार की सुबह 8:15 बजे अंतिम सांस ली। 22 अगस्त से मेदांता में भर्ती थी। 2 अक्टूबर से लगातार वेंटिलेटर पर थे। मुलायम सिंह यादव के पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर त्रौड़ी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर शोक सभा किया गया। इस दौरान उनके जीवन के संघर्षों पर लोगों द्वारा विचार व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल, जयप्रकाश यादव, वर्मन यादव, चंद्रजीत यादव सहित तमाम समाजवादी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं कन्हैया गौड़ ब्लॉक का अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। सपा कार्यालय पर शोक सभा का कार्यक्रम इसके बाद आज कार्यालय पर हम माननीय नेता जी के निधन पर शोक सभा को श्रद्धांजलि दी गई। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। नेताजी एक महान व्यक्तित्व के नेता थे, हम लोगों के मार्गदर्शक थे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक। माननीय नेताजी को युगों युगों तक लोग, जब तक धरती आसमान सूर्य चंद्रमा रहेगा तब तक नेताजी को लोग याद करेंगे। वो दबे कुचलों को, शोषित वंचितों की आवाज़ थे नेताजी। उनकी लड़ाई लड़के आज इस पावदान पर हम लोगों को, दबे कुचले को पहुंचाए हैं। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सच्ची श्रद्धांजलि तभी है जब उनके आदर्शों पे हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर उनके आदर्शों पर चलें और उनके कारवां को आगे बढ़ाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।